हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं आज एक नया वीडियो। वीडियो है आपका कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज के बारे में। साथियों, हमारा ये वीडियो का पीडीएफ आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथियों, इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस कैसे कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण हैं, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, कोरोना वायरस से क्या क्या बचाव है कि कैसे इस वायरस से बचा जा सकता है राष्ट्र में, राज्य में, इसके अलावा पूरे विश्व में इसकी क्या हालत है, उसकी एक रिपोर्ट जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हमने ये वीडियो तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के लिए। तो कोरोना वायरस ये कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह होता है जो कि स्तनधारी और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। कोरोना वायरस के कारण मानव जाति जो होती है उसमें श्वास तंत्र में संक्रमण पैदा हो जाता है मानव जाति की में, और जिसकी गहनता यानी कि गहनता हल्की जो है वो क्या है कि सर्दी जुकाम हो सकती है हल्की, और गंभीर समस्या इंसान की मृत्यु तक भी हो सकती है। कोरोना वायरस के कारण गाय और सुअर जो जानवर होते हैं उनमें अतिसार रोग हो जाता है और मुर्गियों के ऊपरी श्वास तंत्र के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि कोरोना वायरस का नामकरण कैसे कैसे हुआ। तो नामकरण की बात करते हैं। नामकरण में सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना को लेटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे कांटों जैसी संरचना दिखाई देती है जिसका आकार मुकुट जैसा होता है। उसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने इसे कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 19 नाम दिया है। WHO द्वारा 13 मार्च 2020 को नोवेल कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। और वैश्विक महामारी क्या होती है दोस्तों, कि वैश्विक महामारी वो बीमारी होती है जिसकी रोकथाम के लिए किसी भी देश के पास कोई टीका, वैक्सीन तथा विषाणु रोधी एंटीविरल उपलब्ध नहीं होती है, और इसके उपचार के लिए प्राणी को अपने प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में, तथा ये वायरस जो था ये जानवरों से आया था। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहला कोरोना वायरस संक्रमित मरीज देखा गया था। अब बात करते हैं इसके कोरोना वायरस जो विषाणु है इसके वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण में बात करते हैं कोरोना वायरस का जो ग्रुप होता है फोर्थ प्लस SSRNA। उसके बाद बात की जाती है इसका जगत होता है राइबोवीरिया। अभी अधिजगत की बात की जाए तो अधिजगत इसका होता है वायरस संघ अनिश्चित होता है इसका गण नीडोविरालिसिस होता है। उसके बाद आता है कि कुल होता है कोरोना वीरी डाय। और उपकुल की बात की जाए तो उपकुल होता है इसका आर्थो कोरोना वीरी नाय। उसके बाद इसके वंश की बात की जाए तो इसके चार वंश होते हैं, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण हैं और कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के क्या लक्षण हैं और कैसे कर सकते हैं इनका बचाव। पहले बात की जाती है कोरोना वायरस के लक्षण, संक्रमण क्या क्या है, लक्षण क्या दिखते हैं। तो कोरोना वायरस के सामान्य जो लक्षण होते हैं वो होता है बुखार, सूखी खांसी और थकान। असामान्य लक्षणों की बात की जाए तो सिरदर्द, बंद नाक, गले में खराश, थूक के साथ खांसी, सांस की कमी यानी कि हाँपी आना, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, मतली और उल्टी, दस्त। रोग की गंभीरता जब हो जाती है यानी कि रोग जब गंभीर हो जाता है तो उस कंडीशन में तेज बुखार आता है, खांसी के साथ साथ खून आना लग जाता है, श्वेत
रक्त कणिकाओं में कमी आने लग जाती है और किडनी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इस वायरस के संक्रमण के लक्षण दिखना शुरू में औसतन 5 दिन में इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ लोगों में इसके लक्षण बहुत बाद में देखने को मिल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच में 14 दिन तक का समय लगता है, और कुछ शोधकर्ता ऐसा मानते हैं कि 24 दिन भी हो सकते हैं कि 24 दिनों बाद इस वायरस के संक्रमण दिखना स्टार्ट हो। कोरोना वायरस उन लोगों के शरीर में अधिक फैलता है जिनमें इसके संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि व्यक्ति को बीमार करने से पहले भी यह वायरस फैल सकता है। बीमार के शुरुआती लक्षण वही सेम है, सर्दी और फ्लू जैसे ही होते हैं, जिससे कोई आसानी से भ्रमित हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि यह कोरोना संक्रमित व्यक्ति है। अब आइए आगे बात करते हैं कैसे कर सकते हैं कोरोना वायरस से बचाव। तो बचाव कैसे कर सकते हैं, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। दूसरी, खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डाल दें। इसके अलावा अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आपकी बाजू या कपड़े से भी आप अपना मुंह ढक सकते हैं। हाथ बिना धोए अपनी आंख नाक व मुंह को न छुए, और साथ ही साथ बीमार व्यक्ति से नजदीक जाने से बचें, उससे दूरी बनाए रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें बीमार व्यक्ति से। इसके बाद अपने हाथ धोए, खांसते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें, अपने हाथ से अपना चेहरा न छुए। कोरोना वायरस के संबंध में रिपोर्ट की बात की जाती है कोरोना वायरस की, कुल इस समय प्रभावित जो देश है लगभग 192 देश है। विश्व में 207 देश है जिनमें 192 देशों में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में लगभग 42,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, साथ ही संक्रमण के मामले भी बढ़कर 857,000 के पार पहुंच चुके हैं। भारत में इस समय कोरोना वायरस के 1300 से अधिक मामले पाए गए हैं और अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। यह रिपोर्ट आज 1 अप्रैल 2020 तक की है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2020 को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया था और फिर 25 मार्च 2020 से 21 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, जो कि 14 अप्रैल 2020 तक पूर्ण लॉकडाउन है, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं संचालित होंगी, बाकी संचालित नहीं है। जनता कर्फ्यू का जनता ने पूर्ण समर्थन किया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए कि ताकि ये वायरस ज़्यादा ना फैले, वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च 2020 से 21 दिन के लिए 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। भारत सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, कोरोना वायरस के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर कहा है कि तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना देने को कहा है, और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जिसका फोन नंबर 011-2397-8046 के माध्यम से कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं, मेल के लिए ncov2019@gmail.com पर मेल करके कोरोना वायरस के लक्षणों या किसी भी तरह की आशंकाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, ये था हमारा कोविड-19 पर एक छोटा सा वीडियो। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करें। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमें यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है यूवी कंपटीशन, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।